नमस्कार, JKN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आम बजट 2021-22 के लिए अखिलेश यादव का भाजपा सरकार से अनुरोध। देश की तरह यूपी में आज 1 फरवरी को बड़ा त्यौहार है। संसद में 1 फरवरी को देश का आम बजट 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगी। बजट में कई ऐलान किए जा सकते हैं। आने वाले बजट को देखते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में अभिव्यक्ति की आज़ादी की पुनर्स्थापना के लिए भी कुछ प्रावधान करें। रमेश यादव की जगह विधान परिषद के नए प्रोटेम स्पीकर बने कुंवर मानवेंद्र सिंह। पेश होने वाले बजट में भाजपा से अनुरोध करते हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि वो इस बार बजट में देश की एकता, सामाजिक सौहार्द, किसान मजदूर के सम्मान, महिला युवा के मान और अभिव्यक्ति की आज़ादी की पुनर्स्थापना के लिए भी कुछ प्रावधान करें, क्योंकि भाजपा की विघटनकारी नीतियों से ये सब बहुत खंडित हुआ है। देश हित में जारी। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा राज में आज आम आदमी ही नहीं, पत्रकारों तक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटकर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जो अति निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार सच बोलने वाले पत्रकारों व राजनेताओं पर किए गए झूठे मुकदमे तुरंत वापस ले। फिलहाल अखिलेश यादव ने ये बड़े बयान दिए हैं कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, भाजपा जो सरकार है वो बोलने की अभिव्यक्ति पे जो है ताला लगा रही है, इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। तो अब देखते हैं कि जो बजट है उसका क्या फ़र्क पड़ता है आम आदमी पे, आम आदमी के साथ ही में पूरे देशवासियों पे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें JKN न्यूज़ को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।